मैं अंजू अग्रवाल आप सभी का अंजू के किचन घर चैनल में स्वागत करती हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बगल में लगे इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो आप तक पहुँच सके। फ्रेंड्स, आज मैं भथुआ की रोटी बनाऊंगी। मैंने ये 200 ग्राम भथुआ लिया है, इसके पत्ते को मैंने तोड़ लिया है और डंडी को अलग कर दिया है और इसे 3-4 पानी से धोकर इसको साफ़ कर लिया है। ये भथुए की रोटी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसके साथ अब अगर आप कोई सब्जी न भी बनाएं तो आप चटनी, अचार, प्याज किसी के भी साथ खाइए, चाय, बहुत अच्छी लगेगी। आइए बनाना शुरू करते हैं। गैस पर मैंने एक बर्तन में पानी चढ़ा दिया है। ये पानी गर्म होगा तब इसमें मैं अपने सारे भतुए को डाल दूँगी। पानी थोड़ा गर्म हो गया है, अब इसमें अपने सारे भतुए को डालेंगे। आप इसे बिना बॉयल किए भी बना सकती हैं। भतुए की पत्ती ऐसे सॉफ्ट होती है, उसे आप महीन महीन काट कर भी आटे में मिलाकर बना सकती हैं। 5 मिनट हो गए हैं, पत्ती हमारी अच्छी तरह से उबल गई है। गैस बंद कर देंगे और इसे अब हम छान लेंगे। मैंने सारा पानी निकाल दिया है। आप चाहें तो इसे बिना बॉयल किए भी बना सकती हैं। इसकी पत्ती ऐसे कोमल होती है, आप उसे महीन महीन काट कर भी आटा में मिला सकती हैं, लेकिन काट कर फिर उसे खूब अच्छी तरह से पहले धो लीजिएगा क्योंकि इसमें मिट्टी का कचकच होता है। मैंने 3 कप आटा लिया है, 1 टीस्पून नमक, थोड़ा लाल मिर्च, ये थोड़ा सा हल्दी, 1/2 टीस्पून अजवाइन। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी महीन महीन काट के डाल सकती हैं और 1 टेबल स्पून से भी कम रिफाइंड। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकती हैं। अब इसमें मैं अपने ये बॉयल किए हुए भतुए को डालूंगी और इसे अच्छी तरह मथ लेंगे। बॉयल करने से ये पूरा सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए मैं बॉयल करके बनाती हूँ। कभी मन हुआ तो महीन महीन इसको काट के भी बना लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं बॉयल करके ही बनाती हूँ। हमारे घर में हमारे बच्चों को इस तरह ही पसंद आता है। अब इसमें नॉर्मल पानी डालकर जैसे हम पराठा का आटा लगाते हैं उसी तरह से इसे भी गूँथ लेंगे। सॉफ्ट सॉफ्ट गूँथेंगे। आटे को मैंने अच्छी तरह से गूँथ लिया है। अब थोड़ा तेल लेके इसे चिकना करेंगे। ऐसा नहीं है कि भतुआ मैंने जितना डाला है आप भी उतना ही डालें, आप इसे कम बेसी भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि कम होगा तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा या अधिक होगा तो दिक्कत है, ऐसी कोई बात नहीं। आटा हमारा सेट हो गया है और मैंने थोड़ा सूखा आटा भी ले लिया है इसे बेलने के लिए। अब इससे लोई तोड़ेंगे, इसे हम बेल लेंगे। अब इसके बीच में थोड़ा घी लगाएंगे, घी या तेल आप कुछ भी लगा सकते हैं। फोल्ड करने के बाद फिर सूखा आटा लेके इस तरह से बेलेंगे। बीच में फोल्ड करने से अच्छा होता है, हमारी रोटी बहुत ही अच्छी बनती है, सॉफ्ट बनती है, नरम बनती है। रोटी आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा जैसा मन हो वैसा आप बना सकते हैं। ये मैंने बेल के तैयार कर लिया है। गैस पर मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया था, इसे थोड़ा चिकना कर लेते हैं और इस पर हमारी बेली हुई रोटी को डालेंगे। इस साइड से सिक गई है, इसे पलट देंगे और इस पर तेल लगाएंगे। पलट कर दूसरे साइड से भी लगाएंगे। इसे उलट पुलट करके सेकते रहेंगे, थोड़ा प्रेशर डालेंगे
ताकि हमारी रोटी ये चारों तरफ से एक जैसी सिकेगी। कितना अच्छा सिक रहा है ये रोटी। हमारी दोनों ओर से लाल हो गई है, इसे अब प्लेट में निकाल लेंगे और हमारी दूसरी बेली हुई रोटी को भी इसी तरह सेक लेंगे। हमारा ये भतुआ का रोटी बनके तैयार हो गया है। दोनों साइड से देखिए कितना क्रिस्पी, कितना अच्छा सीका है। देखने में भी कलर बहुत अच्छा लग रहा है। इस भतुए की रोटी के साथ कोई सब्जी की भी ज़रूरत नहीं है, इसे आप सिर्फ चटनी के साथ भी खाइए, ये बहुत अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, आपको हमारे ये भतुए की रोटी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। थैंक यू।